हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल के ऊपर। फोटोशॉप टिप्स के अंदर आज हम बात करेंगे 7 कॉमन फ्रस्ट्रेशन पॉइंट्स के बारे में और उनको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। कर्सर का शेप चेंज हो गया और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए मुझे कमेंट्स भी आ चुके हैं खूब सारे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फोटोशॉप यूज कर रहे होते हैं तो फोटोशॉप के अंदर टूल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। नीरज शर्मा, इन्होंने कमेंट किया है कि सर, मैंने फोटोशॉप में ब्रश का साइज पता नहीं चल रहा है, उसकी साइज छोटी या बड़ी करते हैं। वो बता रहे हैं कि गोल आकार के अंदर पहले ब्रश टूल आ रहा था, अभी कितना भी छोटा करूँ या बड़ा करूँ वो पता नहीं चल रहा है उसकी साइज का, और सिर्फ एक उसकी जगह पे चिन्ह आके रह गया है। तो इन्होंने, नीरज शर्मा ने इनका इसका कमेंट किया था। इसके अंदर मैंने रिप्लाई करके बताया कि आप अपने कीबोर्ड पे कैप्स लॉक का जो बटन है वो चेक कीजिए, क्योंकि कैप्स लॉक का बटन जब ऑन होता है तब ऐसी सिचुएशन आती है। और असाद मलिक, इन्होंने भी लिखा है कि मेरे भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन आपकी कमेंट देखी तो मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया है। और इसी तरह से एक और कमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, चंदन कोहली, इन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने भी यही बात बोली है। तो ये प्रॉब्लम कैसे आती है, कैप्स लॉक ऑन होता है तब हमें टूल्स दिखाई नहीं देते। जैसे कि मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, कैप्स लॉक हमारा ऑफ है, और वर्क करते करते अगर मेरा कैप्स लॉक यहाँ से ऑन हो गया तो टूल की साइज यहाँ से गायब हो गई। ये सिर्फ ब्रश टूल के अंदर नहीं, यहाँ पे स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल आप यूज कर रहे हैं या फिर क्लोन टूल या फिर इरेजर टूल, इन सभी के अंदर ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। टूल वर्क करेगा लेकिन सिर्फ दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। कई बार ऐसे होता है कि टूल्स है वो वर्क करना बंद कर देते हैं, कुछ भी हम क्लिक करते हैं तो वो काम नहीं कर रहे होते हैं टूल्स। जैसे कि देखिए अभी आपके सामने, अभी देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे डिजाइन तैयार कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, और अचानक क्या होता है कि टूल्स जो है वो वर्क करना बंद कर दे। अभी देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे टूल ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसी सिचुएशन भी कई बार आ जाती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्यों हमारे टूल ने वर्क करना बंद कर दिया। अच्छा भला मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्विक मास्क क्रिएट होता है और इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड का क्यू। डायरेक्ट अगर हम क्यू दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए चैनल पैनल के अंदर, अगर चैनल पैनल आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ से विंडो के अंदर जाने के बाद चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो चैनल पैनल दिखाई देगा। और इसके अंदर देखिए क्विक मास्क क्रिएट हो गए हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। और अगर कीबोर्ड से क्यू मैं दबा दूंगा तो क्विक मास्क यहाँ पे क्रिएट होगा और फिर ये टूल हमारा वर्क नहीं करेगा। उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ऐसे भी होता है कई बार कि साइड में जो पैनल्स दिखाई दे रहे हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन दिखाई दे रहा है, वो भी हाइड हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे फोटोशॉप को मैं मिनिमाइज करूं ये भी हमें पता नहीं चल पाता है, क्या करें। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड का टैब बटन जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पैनल्स और मेन्यू है वो साइड से हाइड हो जाएंगे टैब बटन दबाने से, और जब वापस टैब बटन दबाएंगे तो वापस भी आ जाएंगे। फोटोशॉप के अंदर आप यहाँ पे देखिए नीचे टूल्स बार के अंदर, यहाँ पे नीचे देखिए टूल बार के अंदर स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, अभी आप जो देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है, इसके अंदर फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन मोड हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्लोज बटन वगैरह सब यहाँ से गायब हो चुके हैं। और एक बार अगर मैं और यहाँ से फुल स्क्रीन मोड यानी जो एकदम फुल स्क्रीन मोड है इसके ऊपर क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन, तो बिल्कुल फुल स्क्रीन है और हम यहाँ पे आराम से वर्क कर सकते हैं। लेकिन जब हमें इस बात का पता नहीं होता तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो शॉर्टकट है इसका, कीबोर्ड से F दबाएंगे तो तीनों जो स्क्रीन है फुल स्क्रीन बारी बारी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसे ये देखिए यहाँ पे सामने दे रखा है F, इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड का। उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफॉर्म का। हमें पता ही है कि किस तरह से हम फोटो को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन जब बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप हम इंस्टॉल करते हैं उस समय यहाँ पे देखिए जब मैं टूल बार के अंदर
मूव जो टूल है उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ ऊपर ऑटो सिलेक्ट ऑर्सो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इसका टिक मार्क यहाँ पे ऑन है, लेकिन जब हम फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ से ये ऑफ रहता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब अलग अलग फोटो के अंदर लेयर होते हैं, जैसे कि ये लेयर एक है और ये भी एक लेयर है, ये अलग अलग लेयर्स हैं, तो मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, अभी ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये सिलेक्ट है। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कैसे हो, तो उसके लिए हमें इस ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन को ऑन रखना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली लेयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लेयर पैनल के अंदर जाके तो हमें सिलेक्ट करना ही होता है। और एक और है शो ट्रांसफर कंट्रोल, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल यहाँ पे नहीं दिखाई देते, अगर आप इसको ऑन करोगे तो हमें ट्रांसफॉर्म कंट्रोल साइड में जो ये लाइन है ये हमें दिखाई देगी, नहीं दिखाई दे रही है ये ऑप्शन ऑफ भी है, तो आप कंट्रोल टी से भी ट्रांसफॉर्म यहाँ से ऑप्शन ऑन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, द स्क्रैच डिस्क इज फुल। जब आप फोटोशॉप के अंदर फोटो सेव कर रहे होंगे तब ये एरर आपने कभी देखा होगा। एक्चुअली में होता क्या है, हमने फोटोशॉप इंस्टॉल कर रखा है और बाय डिफॉल्ट जैसे इंस्टॉल होता है हम कर देते हैं, तो सी ड्राइव है वो स्क्रैच डिस्क होती है बाय डिफॉल्ट, और सी ड्राइव अगर भर जाती है, उसके अंदर जगह कम बचती है, तो क्या होता है, ये एरर आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरा डिस्क है उसको अगर स्क्रैच डिस्क क्रिएट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरी डिस्क जो खाली है उसको करेंगे तब। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ के मैं दबाता हूँ प्रेफरेंस के लिए, अदरवाइज एडिट मेन्यू के अंदर जाके यहाँ पे आप प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कंट्रोल के है, और यहाँ पे देखिए सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा स्क्रैच डिस्क, इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे टिक मार्क सी के ऊपर है, आप डी ई एफ जो खाली है उन ड्राइव्स को भी यहाँ पे इस तरह से स्क्रैच डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, ओके करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, ऑलवेज क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेसिंग। दोस्तों ये फीचर पुराने फोटोशॉप के वर्जन्स में नहीं था, लेटेस्ट सीसी CS5, CC 2015, CS6, ये फोटोशॉप 2015 है जिसके अंदर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, CC 2015 ये वर्जन है। तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप के अंदर हम अगर इंस्टॉल करने के बाद में फोटो को डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरी फोटो को प्लेस करते हैं तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह ही प्लेस होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, अगर आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे दिखती है, मैं यहाँ पे मान लीजिए फोटो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ ऊपर, तो इस तरह से ये दिखाई देगा, और इसके ऊपर जब हम वर्क करेंगे तो ब्रश टूल से या किसी भी टूल से करेंगे तो पहले हमें रास्टराइज करने का बोलेगा, और यहाँ से अगर रास्टराइज नहीं करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये देखिए रास्टराइज लेयर, रास्टराइज करने के बाद में ही डायरेक्ट यहाँ पे वर्क करेगा, दूसरा तरीका भी है स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज में लेने का। तो अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे रास्टराइज ही लेयर प्लेस हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के मैं प्रेस करता हूँ, ये सेटिंग आ गई यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए ऑलवेज क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन प्लेसिंग, इस ऑप्शन को अगर आप यहाँ से ऑफ करेंगे, टिक किया मैंने ऑफ किया फिर ओके किया, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम से अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को रास्टराइज होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में, ये भी लेटेस्ट फोटोशॉप के जो वर्जन्स हैं उनके अंदर ही है, जिन लोगों ने पुराने फोटोशॉप के वर्जन चलाए हों 7.0 वगैरह तो उनके अंदर टैब्स वगैरह ऐसे नहीं थी फोटोशॉप के अंदर इस तरह से टैब, और अभी जो फोटोशॉप लेटेस्ट आ गए हैं इनके अंदर यहाँ पे टैब का सिस्टम है, ऊपर आपको यहाँ पे फोटो टैब के अंदर आएगी, तो अगर आप चाहें तो इस टैब सिस्टम को हटा भी सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट किसी भी फोटो को ओपन करेंगे तो वो एज ए न्यू डॉक्यूमेंट विदाउट टैब ही ओपन होगी। कैसे करेंगे, मैं वापस कंट्रोल के साथ सेटिंग को यहाँ से ओपन करता हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे है ओपन डॉक्यूमेंट एज न्यू टैब, यहाँ पे टिक मार्क है राइट का, आप इसको ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद में ओके प्रेस करेंगे, अब देखिए इसके अंदर कोई भी फोटो अगर आप लेके आएंगे तो एज ए न्यू टैब ये नहीं आएगी, यहाँ पे सीधा डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से दिखाई देगा अलग अलग डॉक्यूमेंट के अंदर, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इसको, अगर टैब सिस्टम आपको अच्छा लगे तो आप वापस वहां से ऑफ भी कर सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आप बेसिक फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, फोटोशॉप के बिगिनर्स हैं, तो आप बेसिक फोटोशॉप सीरीज के मेरे वीडियोस देखिए। उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आना है और वहाँ से प्लेलिस्ट के अंदर से बेसिक फोटोशॉप सीरीज फॉर बिगिनर्स प्लेलिस्ट सेलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको बेसिक फोटोशॉप के सभी वीडियोस मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ गूगल प्लस और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स के ऊपर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट फोटोशॉप टिप्स के वीडियो में। थैंक यू।